जब बच्चा यहाँ पढ़ा था हाँ। जब तो दुनिया भर की बातें हो रही थी कि हम लोगों को यहाँ से भगाया जा रहा था। भगाने का क्या मतलब बता? कौन भगा रहा था? यहाँ से फोर्स पुलिस वाले भगा रहे थे उस टाइम पे। क्या कह रहे थे? और उन्होंने ऐसे गेट लगवाए हैं, ये बिल्डिंग टूट गई, बिल्डिंग सही नहीं, गेट नीचे अच्छे नहीं, और ये केस दर्ज होना चाहिए, विधायक के ऊपर होना चाहिए। और ये विधायक इतना असंवेदनशील है, अब तक क्षेत्र में आके राजी नहीं है। आप इतनी पब्लिक है, कल से वेट कर रही है हमारे विधायक का, लेकिन विधायक इतना निकम्मा है कि एक बार भी अब तक यहाँ पर आया नहीं। और उसकी फेसबुक देखोगे अभी खोल के, तो कल वो बर्थडे मना रहा था लोगों के बीच में। और इनको जिनका बच्चा खत्म हुआ है उनको इसका मुआवजा मिलना चाहिए। वो एक एक बंदे ने 25-25 फोन कर रहे हैं, एक किसी का फोन नहीं उठाया उस बंदे ने, और कहता है एक का फोन उठाता तो कहता मैं मीटिंग में हूँ। यदि बच्चे को न्याय नहीं मिला तो ये जो भीड़ है इस कितनी गुनी भीड़ बढ़ जाएगी, ये अंदाजा प्रशासन को भी नहीं है, उस विधायक को भी नहीं है। जब तक न्याय नहीं मिलेगा बच्चे को, हम लोग यहाँ से नहीं हटेंगे। दिल्ली के चप्पे चप्पे की खबरों पर हम रखते हैं पैनी नजर, तो आप यही खबरें देख सकते हैं तेज तरार की ऐप पर। तो फिर देर किस बात की है, जल्दी से जाइए प्ले स्टोर पर और जाकर डाउनलोड करिए तेज तरार की ऐप को। नमस्कार, स्वागत है आपका तेज तरार में, और मैं हूं आपके साथ आफरीन खान। इस वक्त मैं दिल्ली के नागलोई इलाके में मौजूद हूं, जहां से बीते दिन एक मामला सामने आया। ये मामला सुनकर यकीनन आपके भी होश फाख्ता हो सकते हैं। सबसे पहले आपको ये चमचमाता हुआ गेट दिखा देते हैं। इसके ऊपर बड़े बड़े शब्दों में लिखा है ये गेट का कार्य विधायक कोष से करवाया गया है, या विधायक जी ने करवाया, आप ये कह लीजिए। अब इस गेट की वजह से यहाँ पर एक मासूम बच्चे की जान चली गई। ये देख लीजिए, आप ये जगह दिखा देते हैं, ये वही जगह है जहां पर बीते दिन ये गेट गिर जाता है, जिसकी वजह से एक मासूम बच्चा अपनी जान गंवा देता है। ज्यादा जानकारी के लिए आसपास के लोगों से जुड़ते हैं, कब से ये गेट, क्या ये गेट पहले से इस तरह से क्षतिग्रस्त था, या फिर लोगों ने कंप्लेंट की थी, विधायक ने नहीं सुनी, क्या कुछ था, लोगों की जुबानी सुनाएंगे आपको। बने रहिए हमारे साथ। क्या नाम है आपका? रवि शर्मा। क्या कुछ हुआ था यहाँ पर बीते दिन? यहाँ पे कल दोपहर के 3 बजे करीब बच्चा जा रहा था ट्यूशन जा रहा था। दो बच्चे थे, एक लड़का था एक लड़की थी, एक वो एक बुआ का लड़का, उसकी बुआ की लड़की थी और वो लड़का था छोटा, वो 5 साल का लड़का था, और उसकी उसकी सिस्टर थी, वो पीछे चल रही थी उससे। गेट एकदम से उसके ऊपर गिरा तो उसकी सिस्टर तो पीछे हो गई, वो नहीं संभाल पाया, वो गेट के नीचे आ गया। बिल्कुल, इतना भारी गेट उस बच्चे के ऊपर गिरा था। हाँ जी। तो क्या इसमें पहले से कुछ ऐसा हो रहा था, कोई अंदेशा था? पहले से ही एक कुंदा इसका पहले से ही टूटा हुआ है। अच्छा। और दूसरा जो था वो सिर्फ एक ही कुंदे हल्का सा टिका हुआ था, वो टूट रहा था, वो धीरे धीरे, वो जैसे ही पूरा टूटा, किसी ने हाथ नहीं लगाया, कुछ नहीं, जैसे उस पर वेट पूरा पड़ा वो गेट अपने आप ही गिर गया। तो आप लोगों ने कभी शिकायत की थी कि इस तरह से परेशानी आ रही है इस गेट के साथ? इस गेट के साथ कोई छेड़छाड़ करता ही नहीं था कभी। तो कल तो अपने आप ही गिरा ना, कल कोई छेड़छाड़ तो नहीं? छेड़छाड़ नहीं की, अपने आप ही गेट गिराई है। तो कभी किसी ने समस्या का बताया नहीं जाकर आगे कि ऐसे समस्या है? गलियों में गेट गिरे हैं, बोला है सबने जाके, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं करता, कोई देखता ही नहीं है। 15 नंबर ना काउंसलर सुनते, ना विधायक, कुछ कोई नहीं सुनता। तो ये मतलब ही नहीं है ऐसा है जी। ये जो विधायक हैं उन्होंने ये गेट लगवाए थे, तो ये विधायक के अंडर में गेट आते थे, दिल्ली सरकार के में आते थे, नागलोई विधायक के में आते थे, रघुविंदर जी के में। क्या नाम है उनका? रघुविंदर शौकीन। और उन्होंने ऐसे गेट लगवाए हैं, ये बिल्डिंग टूट गई, बिल्डिंग सही नहीं, गेट नीचे अच्छे नहीं, और ये केस दर्ज होना चाहिए, विधायक के ऊपर होना चाहिए, क्योंकि ये विधायक के अंडर में है और ठेकेदार के ऊपर होना चाहिए। और इनको जिनका बच्चा खत्म हुआ है उनको इसका मुआवजा मिलना चाहिए। अभी विधायक जी आए हैं बात करने के लिए? विधायक जी नहीं आए, आएंगे भी नहीं। अच्छा। विधायक नहीं आएंगे। वैसे कभी आते हैं यहाँ पर पूछने के लिए हाल चाल की? क्या तो कभी देखा नहीं। कितने साल हो गए उन्हें यहाँ का विधायक बने हुए? विधायक हो गए उन्हें 7 साल है, और अभी तक एक बार भी नहीं? 8 साल हो गए, 7-8। कौन सी पार्टी से हैं? आम आदमी से। आम आदमी पार्टी से। और अभी तक कोई आना जाना नहीं, मतलब नहीं है, और ये ऐसे बस देखा आपने? देखा, कंप्लेंट लिखवाई है बच्चे के परिजनों ने? लिखवाई कंप्लेंट, कल अगर कोई बच्चे को देखता ना ऐसे जब गेट गिरा था, तो कोई भी आदमी देख नहीं पाता अच्छी तरह से, उसका सर पूरा निकल आया था बाहर, जब गेट गिरा पूरा सर उसका बाहर निकल आया था। भारी गेट है काफी, 500 किलो का गेट है, 500 किलो का है, 1.5 क्विंटल का गेट है, 1.5 क्विंटल का गेट है। उधर देखो, आप देखो ना, हिल नहीं रहा है, एक बंदे से अगर आप टच करो तो ये हिल नहीं रहा है, देखो। और ये बच्चे पे गिरा है, 5 साल के बच्चे पे गिरा है, और ये कंडीशन देखो, ये पूरा ब्लड ही ब्लड है। और ये विधायक इतना असंवेदनशील है, अब तक क्षेत्र में आके राजी नहीं है। आप इतनी पब्लिक है, कल से वेट कर रही है हमारे विधायक का, लेकिन विधायक इतना निकम्मा है कि एक बार भी अब तक यहाँ पर आया नहीं। और उसकी फेसबुक देखोगे अभी खोल के, तो कल वो बर्थडे मना रहा था लोगों के बीच में। क्या उसके अंदर इतनी शर्म नहीं है? क्या अगर उसका बच्चा होता, ये अगर उसका बच्चा होता तो क्या ऐसे कर रहा होता? क्या वो बच्चा हमारा नहीं था?
क्या हमारे वार्ड का बच्चा नहीं है वो? क्या इत्तला दी गई है इस बारे में कि ऐसा ऐसा हादसा हुआ? मैडम 25 फोन, एक एक बंदे ने 25-25 फोन कर रहे हैं, एक किसी का फोन नहीं उठाया उस बंदे ने, और कहता है एक का फोन उठाता तो कहता मैं मीटिंग में हूँ। क्या एक बच्चे की जान से ज्यादा बड़ी मीटिंग होगी उसकी? आज वोट लेने आए थे, वैसा कहा था कि मैं मीटिंग नहीं, हाथ पैर जोड़ रहा था। हमारे टीम के देखिए, हमारे अंकल जी विनय रावा जी, हमारी बहन पूर्व निगम पार्षद, कल से और सुबह 6 बजे से यहीं पर मौजूद है, और इन लोगों ने एक ही चीज, इन लोगों ने एक ही बात बोली है कि जब तक बच्चे को न्याय नहीं मिलेगा हम लोग यहाँ से नहीं जाएंगे। आप ये देखिए ना कि लोगों के बीच लोगों ने जिताया है उसको, उसका फर्ज बनता है मैडम ये, लेकिन उस बंदे ने अपने फर्ज का करते हुए कोई निर्वाण नहीं कर रहा है, वो अपना घूम रहा है, पब्लिक परेशान हो रही है, बच्चे परेशान हो रहे हैं, कोई मतलब नहीं उसको। ऐसा निकम्मा विधायक मिला है हमारे विधानसभा को। अभी जो बच्चा है वो कहाँ पर है मैडम? उसका अभी पोस्टमार्टम हो रहा है, बच्चे की बॉडी अभी यहीं लाई जाएगी। और हमारी आपके माध्यम से एक बात और कहना चाहता हूँ, विधायक से भी, केजरीवाल जी से भी और प्रशासन से भी, यदि बच्चे को न्याय नहीं मिला तो ये जो भीड़ है इस कितनी गुनी भीड़ बढ़ जाएगी ये अंदाजा प्रशासन को भी नहीं है, उस विधायक को भी नहीं है। जब तक न्याय नहीं मिलेगा बच्चे को हम लोग यहाँ से नहीं हटेंगे। क्या चाहते हैं न्याय के तौर पर? मैम जो जिम्मेदार है, पहली चीज, जो भी जिम्मेदार हो, चाहे वो विधायक हो चाहे वो ठेकेदार हो, सख्त से सख्त कार्रवाई हो। दूसरा, उस बच्चे के लिए जो एक मुआवजा होता है उस माँ बाप को एक मुआवजा मिले, हमारी दो मांगे हैं और ये दो मांगे जब तक पूरी नहीं होंगी। हमने सुना कि जो बच्चा था वो अपनी बुआ के घर रहता था। एक्चुअली उसकी जो मम्मी है वो बहुत पहले एक्सपायर हो गई थी और उसके पापा भी यहाँ नहीं थे, वो गांव में गए हुए थे। वो बच्चा अपनी बुआ जी के पास रहता है और सबसे बड़ी जिम्मेदारी उसकी बुआ की थी। आज बुआ भी बेहोश पड़ी है कमरे के अंदर, उसकी बुआ कल से यहाँ रो रो के बुरा हाल था। और एक बार भी कोई भी आम आदमी पार्टी का कोई भी ना मंत्री ना विधायक कोई भी यहाँ पर मौजूद नहीं है और ना अभी तक कोई आया है। आप ये देखिए ना कितने गैर जिम्मेदार लोग हैं, जो कहता है मैं दिल्ली का बेटा हूँ, यही कहता है ना वो कि मैं दिल्ली का बेटा हूँ। आज दिल्ली का एक बच्चा मर गया, वो दिल्ली के बेटे को टाइम नहीं है, वो दिल्ली के बेटे के विधायक के पास टाइम नहीं है। मैम आप देखिए ना कितना संवेदन, कितना गंदा इंसान है, कितना विधायक हमारा ऐसा है कि लोगों के बीच में आने के लिए डर रहा है। वो बच्चा कहाँ जा रहा था कुछ पता है? वो कोचिंग से घर जा रहा था अपने। जी कौन सी क्लास में पढ़ता है? मैम वो फर्स्ट क्लास में। जी नाम क्या है बच्चे का? अभिषेक। अभिषेक जी। जी मैम पहले से इसकी हालत जो है खस्ता थी, वीक थी पहले से। उस बंदे ने नहीं कराई है, आम पब्लिक वालों ने कराई है, मर्जी आप लोगों ने करवाई, अपने आप मंदों ने कराई है। मैं तो मंत्री हूँ यहाँ। पटाखे पटाखे लगे, बोलो ना कैमरा लेकर आइए। देखिए पटाखे पटाखे लगे हुए, ये देखिए, ये देखो मैं यहीं से गिरा है। जी देखो मैं आपको बताता हूँ, इसमें टेक्निकल चीज मैं बता दूँ जिस कारण से ये गेट गिरा है। एक तो ये जो नीचे का इसका जो बेस है ना, ये लगभग इसकी आधा इंच जो है 12 mm की हाइट है, ये कम से कम 50 mm होना चाहिए, 2 इंच ये वाली चीज। उसके अंदर अगर यहाँ से गेट गिरता भी है तो उसके अंदर गेट लटक जाता, नीचे नहीं गिर पाता अगर वो चीज़ हैवी होती है। और ऐसे ही ऊपर भी होती है जो सेम नीचे है। उसके बाद में इसमें कमी क्या है, ये जो वेल्डिंग की जो क्वालिटी है ना, ये बहुत छोटे वेल्डिंग सेट से की हुई है, गेट बहुत हैवी है, ये 10 या 12 नंबर रोड से की है, कम से कम 8 नंबर रोड से ये वेल्डिंग होना चाहिए था, बहुत हैवी वेल्डिंग सेट से ये मिला के इसकी वेल्डिंग होनी चाहिए थी। ये देखिए आप, ये जगह जगह जो कमी यहीं कहीं रह गई ना, टेक्निकल कमी है, तकनीकी कमी है, जो इनका जो इंजीनियरिंग विभाग है जिन्होंने बनाया होगा, जो इंजीनियर किस लिए होता है उसको ये चीज़ें देखनी होती हैं। लेकिन इन लोगों को कोई सुध नहीं है, कोई कुछ नहीं करना, अपना अपने जो एक तरह से कमीशन खोरी से मतलब है दिल्ली सरकार को। इनको अभी भ्रष्टाचार की बात लग रही है, हुआ है भ्रष्टाचार उसमें है, लेकिन अगर इसकी गुणवत्ता को देखते हैं तो ऐसा हादसा नहीं हुआ, जो यहाँ दर्दनाक हादसा हुआ ना ऐसा, हम तो ये चाहेंगे एक तो इन जो बच्चा जिस परिवार का गया है उनको मुआवजा मिले, और कम से कम 1 करोड़ रुपया जो ये हर चीज़ के अंदर मुआवजा देता है ना, तो 1 करोड़ रुपया उसको मुआवजा मिलना चाहिए। और जितने कॉलोनी के अंदर गेट लगे हैं उसी एजेंसी को बुलाएं या दूसरी एजेंसी, उसी एजेंसी की जिम्मेवारी भी होती है। अभी 1 साल भी नहीं हुआ इन गेटों को लगे हुए, ये इनको ये जो इनकी जो जो गुणवत्ता में जो कमी है, जो जहाँ जो कमी रही है, कि दोबारा इसकी पुनरावृत्ति ना हो तो इन गेटों को सबको उतार के दोबारा से इनको फिट किया जाए। जब बच्चा यहाँ पढ़ा था, जब तक दुनिया भर की बातें हो रही थी कि हम लोगों को यहाँ से भगाया जा रहा था, भगाने का क्या मतलब बता? कौन भगा रहा था? यहाँ से फोर्स पुलिस वाले भगा रहे थे उस टाइम पे। क्या कह रहे थे? कह रहे यहाँ से भागो, यहाँ से कोई तुम्हारा क्या काम है, मतलब ही नहीं है तुम्हारा। हमारा बच्चा यहाँ पढ़ा है या किसी का भी बच्चा पढ़ा है तो हम तो उसके साथ खड़े होंगे नहीं होंगे, ये तरीका नहीं होता। इस तरीके से पुलिस को हम फोर्स को बुला लेंगे या ये काम कर देंगे, ये तरीका नहीं। लोगों को धमकाया जा रहा, धमकाया गया था कल। इस तरीके आप लोगों के प्रशासन से क्या कुछ मांगे?
प्रशासन से हमारी केवल एक मांग है कि वो न्याय करवाएं और सत्य का साथ दे। हम ना उनसे लड़ना चाहते हैं ना उनसे झगड़ना चाहते हैं। जो भी जिम्मेदार है इसके लिए, जो इस मौत का जिम्मेदार है, उसके साथ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। बस अगर कार्रवाई नहीं की जाएगी तो ये पब्लिक है, आम जनता है, हम अपने हक के लिए लड़ेंगे। वो जो वेल्डिंग है सिंगल पत्ती पे होनी चाहिए, ये सिंगल वेल्डिंग में होनी चाहिए। ये तीन देखो, एक दो तीन तीन टुकड़े लगाए गए हैं। ये तीन टुकड़े कैसे किस लिए लगाए गए हैं, इसका है कोई जवाब आपके पास? कहीं ना कहीं लापरवाही की गई, उसी का नतीजा ही है। इसीलिए ये कराया गया, ये टूटा गया है। अगर ये ढंग से, अगर ये दो सूत की पत्ती लगाई, अगर इसकी जगह तीन सूत की भी पत्ती लगाई जाती और अच्छी तरह ढंग से इसका कब्जा बनाया गया होता तो ये आज ऐसा हादसा नहीं होता। बच्चा तो है ना, 5 साल का बच्चा है, आदमी नॉर्मल आदमी भी निकल पाए तभी भी उसको लोगों ने उठाया था इस गेट को। हाँ जी, कितने लोगों ने उठाया? ये पांच से छह बंदे थे, वो भी बड़ी मुश्किल से उठाया है। और वजन होगा लगभग 2 क्विंटल करीब वजन है इसके अंदर, 2 क्विंटल करीब वजन है इसके अंदर। लोगों ने गेट उठाया था सामने से, बाज के आए, सामने से हमने उठाया गेट, हमसे उठा नहीं था ये गेट। क्या बच्चे की ऑन द स्पॉट डेथ हो गई? हाँ जी, जैसे बच्चा गिरा था ना वैसे के वैसे ही रह गया। पुलिस वाले ये कह रहे थे कि बच्चे में सांस थी, बच्चे में सांस नहीं थी, गेट हमने उठाया है तो गेट उठाने टाइम पे ही बच्चा खत्म था उसका। यहाँ से सिर पे हुआ पड़ा यहाँ पे, यहाँ से आगे आ गया, सब निकल के बाहर आ गया, बच्चा खत्म हो गया था तुरंत। पुलिस वाले तो 2 घंटे बाद आए थे यहाँ पे, उन 2 घंटे बाद क्यों फोन किया करने के बाद में, उन्हें आने में भी टाइम लगता है, वो कहीं इधर उधर होते हैं कहीं। अच्छा, 2 घंटे लग गए यहाँ तक आने में ही टाइम लग गया, 2 घंटे लग गए उन्हें। क्या नाम है बेटा आपका? हेमलता। आप अपने भाई के साथ कहीं जा रहे थे? क्या नाम है भाई का आपके? अभिषेक। कहाँ जा रहे थे आप लोग? हम लोग यहाँ से जा रहे थे तभी ये गेट गिर रहा था। आप दोनों साथ में ही थे? तो आप आगे थी या पीछे थी? ये यहाँ पे था। हाँ। और मैं यहाँ पे थी। अच्छा, तो ये गेट अचानक गिर गया और आपके भाई के ऊपर गिर गया। आपको लगी थी चोट? लगी है चोट? कहाँ पे लगी आपको? आपको पैर में लगी है? इस बच्चे की माँ नहीं है, इसको बुआ पाल रही थी। इसकी माँ तो एक्सपायर हो चुकी है और डैडी है, और क्या नाम है, इसको बुआ पाल रही थी इस बच्चे को। बड़ी हिम्मत है उसकी, मतलब जो पाल रही है। कितने समय से वो बच्चा यहाँ पर था? बच्चा 2 साल से है। 2 साल से है। 2 साल से, और रेंट पे रहते हैं ये लोग। गरीब आदमी है, बिल्कुल बिल्कुल गरीब आदमी है। बच्चा गिर गया था, वो गिर गया था, मर गया वो। चक्कर सहायता करो, केजरीवाल सरकार है, सहायता करो। मजदूरी करती है उसकी मांग। देखिए एक बार फिर से आपको दिखा दूं कि वही जगह है जहां पर वो बच्चा गिर जाता है। ये पूरा का पूरा इतना भारी गेट एक मासूम बच्चे के ऊपर गिर जाता है, और आप देखिए कि कितनी बड़ी लापरवाही है। लोगों का कहना है कि टेक्निकल लापरवाही यहां पर देखने को मिल रही है। जिस तरीके से ये जो जॉइंट्स आपको यहां पर नजर आएंगे, एक बार अपने कैमरामैन से कहूंगी जूम करके दिखाए, तो आप देखिए कि किस तरह से ये जो जॉइंट्स है, लोगों का कहना है कि इसमें तकनीकी खराबी है, इसी वजह से ये जो हादसा है यहां पर देखने को मिला। इसके अलावा लोगों ने ये तक बताया कि यहां पर कई ऐसे गेट हैं जो इस तरह से गिर चुके हैं। हालांकि उनमें राहत की बात यह थी कि इस तरीके का कोई दर्दनाक हादसा सामने नहीं आया था, लेकिन बीते दिन जो ये मामला सामने आया उसने यहां के लोगों में एक दहशत पैदा कर दिया, अगर मैं कहूं तो शायद गलत नहीं होगा। और इसके बाद लोगों की शिकायत यह है कि विधायक जी को इतनी भी फुर्सत नहीं मिली कि वो बर्थडे पार्टी छोड़कर यहां पर एक मासूम बच्चे से मिलने आ जाते, उसके परिजनों को दिलासा देने के लिए आ जाते, लेकिन अभी तक वो यहां पर अपनी शक्ल तक दिखाने नहीं आए। लोगों का साफ तौर पर कहना है कि जो भी ये दुर्घटना हुई है इसमें उस बच्चे के परिजनों को जो है मुआवजा दिया जाए, और जो भी इसका जिम्मेदार बनता है, चाहे फिर वो इंजीनियर हो, चाहे फिर वो ठेकेदार हो, चाहे फिर खुद विधायक रघुविंदर शौकीन इसके जिम्मेदार हो, उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई यहां पर हो। आसपास के लोगों की यही मांग है। अब सवाल ये उठता है कि यहां पर प्रमोशन कर दिया गया, गेट लगवा दिए गए, बड़े बड़े बोर्ड लगवा दिए गए कि ये काम विधायक जी ने करवाया है, लेकिन ये किस तरीके का काम करवाया है कि एक मासूम बच्चे ने अपनी जान गंवा दी। अब उस माँ बाप के दिल पर क्या बीत रही होगी जिन्होंने अपना मासूम बच्चा यहाँ पर खो दिया। अब आखिर उस बच्चे की जान का यहाँ पर जिम्मेदार है तो कौन है? उस माँ के आंसुओं का जिम्मेदार कौन है? उस पिता के दुख का जिम्मेदार यहाँ पर कौन है? ये कुछ सवाल सभी के मन में चल रहे होंगे, और इनके जवाब शायद विधायक जी ही दे सकते हैं। अब इंतजार करेंगे कि विधायक जी आकर कब इन लोगों से मिलेंगे, कब इन बातों के जवाब देंगे। अगर जिसकी भी गलती है उसके खिलाफ जो कार्रवाई बनती है, जल्द से जल्द वो कार्रवाई हो, यही आसपास के लोगों की मांग है। पूरी खबर को
लेकर आप क्या राय रखते हैं कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। और आप कमेंट में जरूर बताइएगा कि इस तरीके की लापरवाही जिसने भी की है उसके खिलाफ क्या सजा होनी चाहिए। दिल्ली से कैमरा पर्सन आकाश शर्मा के साथ मैं आफरीन खान। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसके साथ ही हमारे चैनल तेज तरार को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जिससे दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।